को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन रघुपति के जय बोले लक्ष्मण राम सीता का जोरदार तालियों से तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें। मैदान में स्मृति चिन्ह देकर उनका हार्दिक अभिनंदन करें। और ये बहुत ही भव्य और सुंदर स्मृति चिन्ह राम लक्ष्मण और सीता मैया साथ में बजरंग बली। बोलो बोलो बजरंग बली की। ये स्मृति चिन्ह इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान किया जा रहा है। इस वक्त राम दरबार दर्शन हम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी राम दरबार का दर्शन कर रहे हैं और तिलक चंदन कर रहे हैं। इसके बाद हमें आशीर्वचन प्राप्त होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उसके बाद फायरवर्क्स वाले सभी रेडी रहेंगे। आशीर्वचन के बाद फायरवर्क्स वाले सभी रेडी रहेंगे। इस वक्त ये अलौकिक रूप, ये अद्भुत बहुत ही सुंदर राम दरबार का दर्शन हम प्राप्त कर रहे हैं। भव्य रूप लेकर के द्वारा हो रहा है, साथ में हमारे विशिष्ट अतिथिगण। राम नाम उर्मे गहियो जाके सम नहीं कोई, जेह समरन संकट मिटे दरसु तुम्हारे होई। दूजा नाम नहीं जिनके स्मरण मात्र से संकट मिट जाते हैं, ऐसे भगवान श्री राम को कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं। आज का ये कार्यक्रम पंजाबी हिंदू बिरादरी रांची दशहरा कमेटी की ओर से आयोजित माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वचनों के बाद हम आतिशबाजी का कार्यक्रम शुरू करेंगे। जो भी आतिशबाजी के कलाकार यहाँ मैदान में उपस्थित हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे आज के इस अवसर पर आपकी शुभकामनाओं के लिए आज यहाँ रांची के ऐतिहासिक मैदान इस मोराबादी मैदान में पंजाबी हिंदू बिरादरी की तरफ से बरसों से आयोजित हो रही दशहरे के शुभ अवसर पर और इस त्योहार के अंतिम चरण पर यहां पर रावण दहन का भव्य आयोजन करते आ रहे हैं, और उसी क्रम में एक और कड़ी आज फिर से ये जुड़ रहा है। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे साथ यहां पर उपस्थित मंच पर माननीय सांसद संजय सेठ जी, हमारे विधानसभा के वरिष्ठ विधायक आदरणीय सीपी सिंह जी, पूर्व डिप्टी मेयर संजय विजय वर्गीय जी,
यहां उपस्थित राज्य के डीजीपी साहब और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सुधीर दुग्गल जी, रणदीप आनंद जी, कुणाल अजमाने जी, राजेश मेहरा जी, राजेश खन्ना जी एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण, सम्मानित सदस्यगण और यहां बड़े पैमाने पर आए हुए विभिन्न जगहों से आप सभी श्रद्धालुओं को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज दशहरे के इस अंतिम पड़ाव में और उसका साक्षी बनने के लिए इतने बड़े समूह की यहां उपस्थिति के लिए आप सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत ज्यादा विलंब ना करते हुए हर साल हम लोग यहां मिलते रहे हैं और इस आशा उम्मीद के साथ परिवार को विदा करेंगे कि आने वाला समय बुराई पर सत्य की विजय का ये जो परचम है ये सदियों तक लहराता रहे और ये विजय हासिल होती रहे। आज पूरे देश में इस कार्यक्रम को लेके लोगों में कई उत्साह है। आज कोई सड़कों पर पैदल, कोई गाड़ियों में, कोई साइकिल में, कोई मोटरसाइकिल में इस त्योहार का आनंद और लुत्फ उठाने के लिए निकल पड़ा है। आप सब लोग सकुशल आज इस त्योहार के साथ पुनः घर वापस पहुंचे इस आशा उम्मीद के साथ आप सबको मेरी ओर से दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी समाप्त करता हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। तो सबसे पहले बारी आई है लंका के दहन की। कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन रघुपति की जय बोले लक्ष्मण राम सिया का हो अभिनंदन Yeah।
वृंदावन, सबकी नजरें उधरी। मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध रावण दहन के लिए, बटन दबाकर रावण का वध। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये